अरविंद केजरीवाल की सरकार योजना तो कम बजट की बनाती है, लेकिन जब वो पूरी होती है तो बजट कई गुना बढ़ जाता है। अब ये संयोग है या प्रयोग, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। असल में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लोकनायक अस्पताल में हुए निर्माण की जांच का आदेश दिया है। अस्पताल में एक नए ब्लॉक का निर्माण हो रहा था जिसका बजट करीब 450 करोड़ था, लेकिन जब निर्माण पूरा नहीं हुआ और बजट करीब ढाई गुना बढ़ गया, अब एलजी ने सीवीसी को जांच सौंपते हुए पूछा कि इतने ज्यादा पैसे आखिर कहां लग गए और क्यों। इस पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी साहब का तो यही काम है। एलजी ने अस्पताल में निर्माण में हुई खामियों की जांच के लिए भी एक समिति बनाई है। अधिकारियों ने बताया कि ये समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में चल रही ऐसी सभी परियोजनाओं की भी जांच करेगी। एलजी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि लोकनायक अस्पताल में एक अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण के लिए 465 करोड़ रुपए का टेंडर बढ़ाकर 1135 करोड़ रुपए का हो गया। इससे दिल्ली सरकार पर लगभग 670 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आया। अधिकारियों ने बताया कि एलजी ने सतर्कता निदेशालय से केंद्रीय सतर्कता आयोग के मामले में विस्तृत तकनीक जांच के लिए मुख्य तकनीक परीक्षकों की एक विशेष टीम गठित करने का अनुरोध किया है और कहा कि एलजी ने आदेश में कहा कि ये समझ से परे है कि विभाग के इंजीनियर्स ने इतने पैसे कहां खर्च कर दिए, जबकि इसे वित्त विभाग और कैबिनेट के पास जाना चाहिए था। लोकनायक अस्पताल में एक नए ब्लॉक पर काम 4 नवंबर 2020 में शुरू हुआ था। 30 महीने के भीतर इसे पूरा किया जाना था, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि 3.5 साल बाद भी सिर्फ 64% काम ही हो पाया, जबकि लागत 243% बढ़ गई। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी थी। मूल रूप से 465 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, बाद में काम के दायरे का विस्तार किया गया और 1135 करोड़ रुपए खर्च हो गए। एलजी के निर्देश के बारे में जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एलजी का काम दिन रात जांच का आदेश देना है। उन्होंने दिल्ली के लिए और किया ही क्या है, सतर्कता विभाग उनके अधीन है, वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मीडिया सवाल पूछे। हालांकि दिल्ली सरकार के सूत्रों ने जांच और किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त सजा दिए जाने का स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।